प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विद एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मधुरूपाराम, व्याख्याता इतिहास, आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 की जो हमारा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति अध्याय 3 राजस्थान के उत्सव त्यौहार एवं मेले लेकर। उत्सव व त्यौहार क्या होता है? राजस्थान एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्यौहारों व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर गणगौर के बारे में। यहाँ अपन देखते हैं गणगौर के बारे में अपन देखते हैं। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात पार्वती, गौरी। इस अवसर पर शिव पार्वती की आराधना की जाती है द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन क्षेत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर क्षेत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जो के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई उन्हें अपने घर ले जाती है। आगे देखते हैं गणगौर का त्यौहार। शिव पार्वती के रूप में ईश्वर और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। ईश्वर और गणगौर, जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं, नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, कोटा रियासतों बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चों और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों पर आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते। ये सवारी तोप के धमाके और नगाड़ों की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिसोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती है और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त हो जाती। अब है तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावरी ले डूबी, अर्थात त्यौहार के चक्र की शुरुआत श्रवण मास में तीज से होती है और इसका अंत किससे होता है? गणगौर से होता है। श्रवण मास वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं क्या करती हैं, श्रावण शुक्ला तृतीया को ये बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती हैं। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है।
मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन के मास सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ससुराल पक्ष की किसी अनिष्ट की आकांक्षा से उसे पीर भेज दिया जाता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहित पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँवों में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ बाजरा फली आदि की बुआई भी शुरू हो जाती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तीज की सवारी में सजाए हाथी घोड़े ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों आनंद उठाते हैं। अब आगे देखते हैं बूंदी की कजली तीज। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की वह कजली तीज है, ध्यान रखना। कजली तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में यहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है। बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालिकाओं में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। अब आगे अपन देखते हैं होली। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के डंकों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती। नृत्य गान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देते। अब देखो भिनाए में कोड़ा मार होली, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़े मारते। तो कहाँ की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है? भिनाए की। मेवाड़ में उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है, भगोरिया भी खेला जाता है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली महावीर जी में कैसी है? लठमार होली। भिनाए में कोड़े मार, महावीर जी में लठमार। शेखावटी में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य। बाड़मेर में पत्थर होली में इलोजी की बरात भी निकाली जाती है। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, ध्यान रखना। लठमार महावीर जी की। अब आगे देखते हैं जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण और प्रण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी बेटे की बारात पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा आगे देखते हैं कोटा के आवा तथा सागोद कस्बों का 200 पुराना न्याण आयोजन भी प्रसिद्ध। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो न्याण कहाँ का प्रसिद्ध है? सागोद कोटा का। अब अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुज सावे के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकाले ही इस दिन क्या बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा गेहूं चावल तिल जो इत्यादि सात अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं बाजरे आदि का खिचड़ा गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी की साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में भी उतने हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं।
ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य में कई अन्य उत्सव जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय समेत अनेक उत्सव राजस्थान बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव परसून भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, सव स्तन वन कीर्तन, व्रत उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते। इस उत्सव का अंतिम दिन क्या कहलाता है, ये आपके देखना संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्ण एकम को क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईदुल जुहा जिसे बकरा ईद कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास करते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद शाह के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकालते। शबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म व मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न बन सकता है, किसका 12 वफात का त्यौहार किसकी स्मृति में? मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म मरण की स्मृति। मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति पर के समाप्ति का दिन ईदुल फितर कहलाता है और जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। इससे उत्सव में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनवाते। इन प्रमुख उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, उसके बाद में अपन देखते हैं पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अंत चतुर्दशी, गोपा अष्टमी, आंवला एकादशी प्रमुख है। अब अपन देखते हैं मेले। मेले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेले का अर्थ एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सव को मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इसमें यहाँ की लोक संस्कृति जीवित हो उठती है। इन उत्सव त्यौहार व मेलों को अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्यौहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अब देखो अच्छे प्रश्न है यहाँ पर, देखो अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में कौन सा है, शिवरात्रि का मेला। सुरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर जिले में गोठ मांगलो ददीमती माता का मेला, उदयपुर में चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंगी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी दुलेव का मेला, अलवर के पास भरतरी का मेला आदि प्रमुख हैं। अब आगे देखते हैं डूंगरपुर वेणेश्वर का मेला, डूंगरपुर में वेणेश्वर का मेला, बारा जिले की साबाद तहसील के सहरिया का चित सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रबसर में तेजा जी का मेला, पोकरण में रूणीसा मेला, आगे बढ़ते हैं रामदेव जी का, रूणीसी में रामदेव जी का मेला, कोलू मंड में किसका मेला है, पाबू जी का मेला, ददेरवा में गोगा जी का मेला आदि लोक गायकों के मेले, लोक गायकों के नहीं सॉरी लोक नायकों के। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण अब अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पुष्कर के बारे में देखते हैं पहले, यहाँ पर देखो अपन पुष्कर के बारे में देखते हैं। पुष्कर के बारे में क्या दर्शाया गया है, पुष्कर अजमेर जिले में सबको मालूम है, पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एकमात्र प्रमुख केंद्र, पूरे भारत में यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री
माता का मंदिर। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह पूर्णिमा का यह मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब समय ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन तीन स्थानों पर गिरी वहाँ झील बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्य, इसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। आगे देखते हैं अपन। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण पुरानी के इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर का मेला अत्यंत जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। अब अपन देखते हैं आगे जीण माता का। जीण माता का मेला कहाँ पर है? रेवासा सीकर ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मंदिर अवस्थित। इस मंदिर का निर्माण विक्रमी संवत 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया। किसने करवाया था? हट्टर ने। या माता की अष्टभुजी प्रतिमा, कैसी है? अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के दो दीपक अखंड रूप से कई सौ वर्षों से प्रचलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतिषियों की व्यवस्था दिल्ली के स्वान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के सामने जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गया। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीन से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीन किसी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुआ तो हर्ष भी उसी के साथ उस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विराजमान है या विद्यमान है। अब देखते हैं राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रि के यहाँ मेले चलते। वर्ष में मेला कितनी बार लगता है? दो बार, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है। आगे अपन देखते हैं खाटू श्याम जी, ये भी सीकर में मंदिर है। जिले से 50 किलोमीटर दूरी पर श्री कृष्ण के रूप में एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। अपन आगे देखते हैं। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। आगे देखते हैं भरतहरी का मेला, ये कहाँ पर लगता है? अलवर में। भरत 40 किलोमीटर दूर भरतहरी नामक स्थान पर वर्ष में दो बार, बैसाख ये भी दो बार लगता है, लक्खी मेला आयोजित होता है। लाख हाथों में चिपटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफट्टे बाबाओं ने से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवित हो जाता है। जनश्रुतियों के गोपी चंद भरतहरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में वृत्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरतहरी को यह जंगल बहुत भया और मृत्यु पर्यंत यहीं रहे, यहीं उनकी समाधि। अब डिग्गी कल्याण का मेला देखते हैं अपन। डिग्गी कल्याण का मेला, इसमें जयपुर से टोंक जिले में, कहाँ पर? टोंक जिले के मालपुरा तहसील डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कृष्ण जी का श्रवण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ पर चंद्रगिरी के राजा को उदान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने
एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर दिया। राजा डिगव उर्वशी पर मोहित हो उठे और उसके बाद में उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यहीं यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें श्राप देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग्गव की प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया। उर्वशी को ले गए और उसके बाद में आप देखते हो उर्वशी को वो वहाँ से ले जाते हैं। उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कुड्डी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गव पर दया आई और उन्होंने राजा को कुश से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद मैं उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, उसके दर्शन से राजा को रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गव कुष्ठ रोग के कल्याण किया था इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। अब अपन देखते महावीर जी सवाई माधोपुर की हिंडोन तहसील। ये अब देखो ये सवाई माधोपुर में नहीं है, अब ये कहाँ पर है, करौली में। हिंडोन तहसील कहाँ आती है, करौली में आती है, ये ध्यान रखना। गंभीर नदी के किनारे, कौन सी, गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव में महावीर स्वामी की स्मृति प्रतिवर्ष शैतल शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक लक्खी मेला लगता है। यहाँ जैनों का सबसे बड़ा मेला। जनश्रुति है कि कृपादास नामक शर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार क्या होता है, उसकी एक गाय कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कान जाने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वत अपना दूध गिरा देती। टीले को खोदने पर उसे वहाँ से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान की। आज भी इस मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस शर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। अब अपन देखते करणी माता का मेला बीकानेर में कहाँ पर भरता है, सबको मालूम है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मेला है। यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते। प्रतिवर्ष क्षेत्र आश्विन यह भी दो बार लगता और सफ़ेद चूहे को क्या कहते हैं, काबा कहा जाता है। अब है शीतला माता का मेला। उदयपुर जिले में जयपुर जिले में साक्षु तहसील के सील की डूंगरी गांव में क्षेत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध, ध्यान रखना, नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी भरता है। शीतला माता मातृरक्षिका देवी के रूप में पूजित है और इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अन्नामा और राजस्थान में सेंट शीतला और सेडल माता के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप होता है। केला देवी स्वाई माधोपुर से 18 किलोमीटर त्रिकूट पहाड़ी केला देवी का भव्य मंदिर, ये भी कहाँ पर है, करौली में केला देवी। यहाँ क्षेत्र शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। केला देवी के मंदिर में दो मूर्तियाँ, दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिन्हें स्थानीय लोग लंगूरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो
वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उसे किला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब है कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। कहाँ पर? बीकानेर में। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ और जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा और इसकी सुंदरता से मोहित होकर उसकी आत्मा एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तजन यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व माना जाता है कि इसमें भक्तों के पाप व कट जाते। अब है ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाब के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब की माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया। और जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए और वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से प्रवाज कर गई हैं। इसी की याद में प्रतिवर्ष ये उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर चढ़ाते। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में क्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स शांत दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जयरीनों पर गुलाल जल छींटे मारे जाते। इसे 3 दिन बाद 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तबरूत यादि प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म संभाव के अनूठी पहल है। अब है गहलिया कोट का उर्स। ये कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। सांगवाड़ा तहसील के गहलिया कोट कस्बे में सैयद फकरुद्दीन की मजार है। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। मजारे फखरी भी कहते हैं। मुर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते। महुईत इबादत होती है। कुरान शरीफ का पाठ होता है। अब आगे देखते हैं वेनेश्वर। वेनेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का क्या है? कुंभ है। आदिवासी कुंभ वेनेश्वर। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवतात गांव में होता है। वेनेश्वर का नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति की यह शिवलिंग स्वयं अद्भुत हुआ। यह स्वयं भू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्ध अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देखा। फलत वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे वे 5 हिस्सों में टूट गए। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी उसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा पूजा नहीं की जाती। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में, सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, गुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल
उत्सव आभानेरी उत्सव, दोसा थार उत्सव, बाड़मेर ऊँट उत्सव, बीकानेर मरु उत्सव, कहाँ पर होता है जैसलमेर में मरु उत्सव जैसलमेर होता है, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव गोड़व, मेलापाली विश्व सर्द समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा झालावाड़ बहुत ही पर्यटकों आकर्षण के स्थल है। क्या आप जानते जयपुर के पास भावगढ़ बंदे गांव में खलकानी माता गर्दभ मेला आयोजित है? कौन सी माता है? खलकानी माता, ध्यान रखना किया जाता। इस मेले में गद्दों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं आता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआ ने चंद्रा मीना के युद्ध में हराने की स्मृति में करवाई थी। अब देखो यहाँ अभ्यास प्रश्न, भरत तरीका मेला कहाँ पर लगता है? सबको मालूम है अलवर में। बूंदी में कजली तिल कब मनाई जाती है? बूंदी की कजली तीज जो है वो भाद्रे की तीज होती है, भाद्रपद की। आगे बढ़ते हैं अपन, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली वह कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली महावीर जी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी की। आगे बढ़ते निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। नोरोज का त्यौहार है वह ईसाई धर्म से संबंधित नहीं, नोरोज। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में सुमिलित कीजिए। देखो अब सुमिलित करते हैं, यहाँ पर देखो डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी में, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर है? कोलायत में, महावीर जी का मेला है यहाँ पर सवाई माधोपुर में, यहाँ पर महावीर जी करौली में है और करणी माता देश नोक। आगे बढ़ते हैं, अब आगे इसमें आपके बड़े प्रश्न है। तो इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करना।